हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सो यार, जो डीसी मशीन के प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के बारे में मशीन के अंदर, और साथ ही साथ अपन ने देखा था उसमें पावर बैलेंस इन डीसी मशीन। तो यार गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो डीसी मशीन में मैक्सिमम टाइम अपन यूज़ करते हैं और देखने को प्रैक्टिकली देखा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन के साथ में। टॉपिक जो आज का रहेगा अपना, आर्मेचर रिएक्शन का बेसिक्स रहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। ओके, तो यार आर्मेचर रिएक्शन मतलब होता क्या है एक्चुअली? क्योंकि अपन बहुत बार देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन वर्ड बहुत बार सुनते हैं अपन, ठीक है, इन डेली लाइफ में भी सुनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन का, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आर्मेचर रिएक्शन है वो आर्मेचर में होगी सबसे पहली बात तो, ठीक है, इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में ऐसा क्या होता है, देखो कोई भी डीसी मशीन होती है, ठीक है, जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस लाइक में ये ले लो, मैंने एक डीसी मशीन बना ली यहाँ पे, इस टाइप से टू पोल की मशीन ले लेते हैं। ठीक है, तो टू पोल मशीन में होगा क्या, देखो ये तो एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है, और इस पर क्या होगी, मेरी फील्ड वाइंडिंग होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे फील्ड वाइंडिंग होगी इसके ऊपर, सिमिलरली इस पे भी फील्ड वाइंडिंग होगी जो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरा आर्मेचर होगा, ठीक है, और उस आर्मेचर पे भी क्या हो गए, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर के स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे अपना होगा की होल, शाफ्ट होल होगा, ठीक है। तो देखो यार, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है, मैग्नेटिक मतलब फील्ड जो अपना मेन फील्ड था, ठीक है, वो कैसे है, एन टू एस में, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इस फील्ड के अंदर आर्मेचर के कंडक्टर्स पड़े हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, कंडक्टर की वजह से एक आर्मेचर में भी क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, जो मेन फील्ड को या तो डिस्टॉर्ट करेगा या उसकी मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो जो ये वाला हमने दिखाया है, ये क्या है, मेरा मेन फील्ड है, ठीक है, एंड जो आर्मेचर के अंदर फील्ड बनेगा वो फील्ड क्या करेगा, मेन फील्ड को या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा उसकी, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधी डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज कर देगा इस टाइप से, मोड़ देगा डायरेक्शन को रिजल्टेंट उसका, या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है, मान लो 7 वेबर है तो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, 6 वेबर या 5 वेबर कर देगा, ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब क्या हुआ, जो आर्मेचर रिएक्शन है, जब किसी आर्मेचर कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसके बाद जो आर्मेचर का फील्ड होता है वो मेन फील्ड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, यही आर्मेचर रिएक्शन होती है अपनी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो लाइक जैसे कि व्हेन अ करंट फ्लो इन द आर्मेचर कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस अ आर्मेचर फील्ड विच इज डायरेक्टली डिस्टर्ब द मेन फील्ड आइदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज द डायरेक्शन of field or reduce the magnitude, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी, एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी किसके लिए, आर्मेचर रिएक्शन के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो
आर्मेचर के अंदर फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है हमेशा, ठीक है। तो वही क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर का इम्पैक्ट मेन फील्ड पे पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन दो टाइप की होती है, ठीक है। इसमें दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट आता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट आता है एक तो, एंड द सेकेंड वन जो है अपना वो आता है डी मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, 95% मशीनों में तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पाया जाता है और 5% डी मैग्नेटाइजिंग पाया जाता है अगर आर्मेचर रिएक्शन हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि होते क्या क्या है, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है और डी मैग्नेटाइजिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होगा, ये वाला मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मेन फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मतलब एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा और मेन फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मान लो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के अंदर बात कर रहे हैं अपन कि फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे लो नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से यहाँ पे है, ठीक है। और जो आर्मेचर रिएक्शन की डायरेक्शन है वो इस टाइप से नीचे की तरफ में, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये फाई मेन है, ये फाई आर्मेचर है, तो यहाँ पे फाई आर आ गया इनका रिजल्टेंट। तो हुआ क्या, आर्मेचर रिएक्शन मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से जो मेन फील्ड की डायरेक्शन थी, जो एन टू एस यहाँ पे जाने था, वो डिस्टॉर्ट हो गए, डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था अपना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। या मैं बात करूँ जैसे कि मशीन के अंदर, जैसे टू पोल की मशीन लेते हैं अपन, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। ये अपना मान लो नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है, और इसके बीच में अपना क्या रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब देखो करना कुछ नहीं है अपने को, फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ तक है, देखो एन टू एस मेन फील्ड लाइन यही तो है इस टाइप से, ठीक है। अब आर्मेचर पे क्या है, कंडक्टर से, आर्मेचर कंडक्टर इस टाइप से, बहुत सारे कंडक्टर है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर देखो दो एक्सिस होती हैं, एक ये रही, ठीक है। अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं है तो दोनों एक्सिस कोइंसाइड होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक एक्सिस होती है एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरी होती है अपनी जी एन ए, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दोनों की दोनों क्या होती है, कोइंसाइड होती है। जी एन ए जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा फिक्स रहती है, जैसे कि कोई मशीन है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ रहता है। जैसे कि मान लो ये कोई पेन है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मतलब इसका ग्रेविटी कहाँ लगेगी, हमेशा नीचे की तरफ लगेगी 90 डिग्री से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो जी एन ए होता है वो तो फिक्स रहता है 90 डिग्री पे, और एम एन ए शिफ्ट हो जाता है किसकी वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे हमेशा 90 डिग्री पे रहता है एम एन ए अपना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है तो एम एन ए से जस्ट 90 डिग्री पे होगा यहाँ पे, ये एम एन ए की डायरेक्शन होगी मेन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब देखो मान लो इस साइड में बना क्रॉस और यहाँ बन गया डॉट, ठीक है, क्रॉस बन गया और डॉट बन गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे क्रॉस है, राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो राइट हैंड रूल से क्या होगा, देखो ये फोर्स को डिनोट करता है, ये अपना करंट को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, नॉर्थ टू साउथ, और करंट कहाँ पे है, अंदर में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, जो फोर्स है अपना वो इस साइड लगेगा ऊपर की तरफ में, ठीक है, और डॉट है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मतलब डायरेक्शन जो कैसी होगी, इस टाइप से रोटेट करेगी अपनी मशीन, ठीक है। अगर अपन किसका लगाए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाए देखेंगे तो वहाँ से अपने को ये दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होने वाला, अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्रू का रूल लगाऊँ, स्क्रू वाला रूल, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी जो करंट है, डायरेक्शन है, वो कैसे आ रही है। देखो अगर मैं ये वाला रूल लगाऊँ तो ये वाली करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसको जैसे अपन ऐसे इस तरफ से घुमाएंगे तो मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से घूम रही है, और इसमें करेंगे तो कैसे घूमेगी, नीचे के ऊपर से तरफ में,
ठीक है ठीक है, जैसे कि इस कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रू वाला रूल लगाऊँ, मतलब स्क्रू को कसेंगे अपन जिस, ठीक है, तो किसी चीज़ को जैसे अपन कस रहे हैं, ठीक है, लाइके से मान लो करंट अंदर जा रही है तो इसको अपन ऐसे कसेंगे तो किस टाइप से घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस टाइप से होगी इस कंडक्टर के लिए? इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या होगा, खुल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसकी डायरेक्शन किस टाइप से होगी? देखो इसकी क्लॉकवाइज थी मतलब इस टाइप से, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब इस टाइप से, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों का न्यू मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, और मेन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आया? यहाँ पे, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग से क्या हुआ, मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कम हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। अब जैसे कि वापस से टू पोल की एक मोटर लेते हैं अपन, ये ले ली अपन ने वापस से एक टू पोल की मोटर, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर था अपना क्रॉस वाला, यहाँ पे था डॉट वाला, तो मैंने क्या कहा, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, कुछ इस टाइप से हो गई, ठीक है। अगर डायरेक्शन मेरी इस टाइप से हो गई, ये मेरा नॉर्थ पोल था, ये मेरा साउथ पोल था, ठीक है, जी एन ए तो क्या था मेरा, यहीं पे था, ठीक है। और एम एन ए क्या हो जाएगा मेरा, इससे 90 डिग्री पे होगा, मतलब यहाँ पे ये है मेरा एम एन ए है। तो मतलब क्या हुआ, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से एम एन ए की डायरेक्शन चेंज हो गई, जो कि मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि मेरी जो ब्रशेज की लोकेशन होती है वो जी एन ए पे होती है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे ब्रशेज लगे होते मेरे। अब देखो पहले जहाँ पे मेरा था एम एन ए की डायरेक्शन, ये वाली, इसके अंदर यहाँ पे ब्रशेज लगे हुए थे मेरे, और एक यहाँ पे ब्रशेज लगे हुए थे, ठीक है। तो एम एन ए की एक्सिस पे होता क्या, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होती है, मतलब यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होती उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन करंट को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मशीन में, बट जैसे मेरी एम एन ए की डायरेक्शन चेंज हुई इस टाइप से, तो मेरे क्या हुआ, एम एन ए जो ब्रशेस के कॉन्टैक्ट थे वो डायरेक्टली किसके आ रहे हैं, वोल्टेज के सीध में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्पार्किंग ज़्यादा होगी इस कंडीशन में, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या होने वाला है अपना, जैसे मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो एम एन ए की डायरेक्शन चेंज हो गई, एम एन ए की डायरेक्शन चेंज होते ही ब्रश की लोकेशन अपन को वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होगा इसमें स्पार्किंग होगी। अब देखो ब्रशेस की लोकेशन को अपन वापस से रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अपन ने ब्रशेस लगा दिए तो लगा दिए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे अपन, जो अपन तीन मेथड होते हैं अपने, जैसे कि कंपन चेकिंग वाइंडिंग होगी, इंटरपोल वाइंडिंग होगी, अपन ये वाली वाइंडिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ बताई थी, थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल के अंदर रिलेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपने को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इसके अंदर। तो रिलेशन बिटवीन थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो मैंने जो रिलेशन बताया था आपको वो क्या था, कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल है मेरा वो पी बाई टू थीटा मैकेनिकल के इक्वल होता है। मतलब देखो कोई एक वेव फॉर्म है, ठीक है, इसमें वोल्टेज जनरेट हो रही है, जैसे कि आर्मेचर में कोई वोल्टेज जनरेट हो रही है, वो एसी ही वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। तो एसी वोल्टेज का पूरा कितना एंगल होता है, भले कितनी कोई कितने भी पोल की मोटर ले लो, 0 पाए 2 पाए, ठीक है, मतलब एक हाफ साइकिल है इसकी, ठीक है, 180 डिग्री में तो आ रही है, ठीक है, ठीक है। बट उसी टाइम में क्या होगा, तो जो थीटा मैकेनिकल है वो डिपेंड करता है किस में, जो पोल है डिवाइड बाय टू पे, जैसे कि लाइक मान लो कि एक फोर पोल की मोटर है, ठीक है। थीटा मैकेनिकल क्या होता है, दो कॉरस्पॉन्डिंग पोल्स के बीच की क्या होती है, एंगल होता है, ठीक है। जैसे कि ये और ये ले लो, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर थीटा मैकेनिकल की वैल्यू 90 डिग्री है, बट थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री फिक्स रहती है ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज पी बाई टू ऑफ थीटा मैकेनिकल, मतलब चार पोल की मोटर है, अगर मैं पी की वैल्यू 4 रखूँ और डिवाइड बाई 2 करूँ इंटू 90 डिग्री, मेरा क्या है, तो देखो 2 180 डिग्री मेरा वापस से क्या आ गया, थीटा इलेक्ट्रिकल आ गया
इस टाइम पे, ठीक है? मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन वैलिड अपना, थीटा इलेक्ट्रिकल इज पी बाई टू ऑफ थीटा मैकेनिकल। अपन जो भी चीज़ लेके चलते हैं उसे थीटा इलेक्ट्रिकल में लेके चलते हैं, याद रखना आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? तो ये आर्मेचर रिएक्शन का थोड़ा सा बेसिक्स था। अब देखते हैं डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है? तो डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है अपना, ये एक्चुअली बात करते हैं डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की। डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ओके, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, जो रोटर फ्लक्स होता है और जो मेन फ्लक्स होता है, ठीक है? स्टेटर फ्लक्स होता है, रोटर फ्लक्स होता है, ठीक है? स्टेटर फ्लक्स इस टाइप से जनरेट हो रहा है और रोटर फ्लक्स मान लो इस टाइप से जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो होगा क्या, 180 डिग्री पे क्या है ये, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देंगे ये, जो मैग्नीट्यूड है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? अगर मेरा मेन फ्लक्स है, मतलब फाई है, फाई एम मेरा अगर रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट किसके किस पे पड़ेगा, जनरेटेड ईएमएफ पे, ये भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मेरा फाई ही रिड्यूस हो गया तो मेरी जनरेटेड ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मेरी जनरेटेड ईएमएफ रिड्यूस होगी तो मेरा टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरे को कभी नहीं चाहिए होता है। मतलब डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता भले 5% है, बट करता क्या है, मैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है? जो कि थोड़ा डेंजरस है अपने लिए। इसका इफेक्ट अपन को हमेशा कम रखना होता है, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट अपन को हमेशा कम रखना होता है। तो इसके जो अपन जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग हो गई या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी, स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग होगी, ये वाली वाइंडिंग अपन यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे अपन को कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो गाइज ये था आज के लेक्चर के लिए, मतलब बेसिक्स बताया मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के बारे में कि क्या होता है और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे टेक्निक्स हैं, और अपन साथ में देखेंगे कि इंटरपोल क्या होता है और डी एक्सिस होती है, क्वाड्रेचर एक्सिस होती है, डायरेक्ट एक्सिस होती है, वो क्या होती है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो लेक्चर है अपना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।